सर, अगर आपको स्वीट खाने की बहुत आदत है तो खाने से पहले स्वीट खा लें, ताकि जब आप खाना खाएं तो जो भी स्वीटनर है वॉश आउट हो जाए। मिर्च मसाला बहुत खाते हैं तो खाएं कोई बात नहीं, उसके बाद ब्रश कर लें। ब्रश ना भी कर पाएं तो एटलीस्ट गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला कर लें, वो भी ना कर पाएं तो माउथ वॉशेस बने हुए हैं, रेडीमेड आते हैं, उनसे कुल्ला कर लें जी। इससे आप दोनों चीज मेंटेन कर सकते हैं, बट एक्सट्रीम ठंडा और एक्सट्रीम गर्म नहीं खाना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशन इतना ज्यादा होता है कि नर्व्स को अंदर दिक्कत हो जाती है, जिससे ब्लड सेंसिटिविटी हो जाता है जी। तो एक्सट्रीम ठंडा और एक्सट्रीम गर्म टेम्परेचर हम अवॉइड करना चाहिए। जी। नोएडा सागर जुड़ गए हमारे साथ। जी सागर जी, सवाल पूछिए अपना। हेलो जी, जी पूछिए। सर मैं सागर बोल रहा हूँ। जी जी, मेरे दांतों में नीचे वालों में पस आ गया है जी, और मैंने एक दांत उखड़वा दिया है। कौन सा दांत उखड़वाया आपने? नीचे वाले सामने का दांत। अच्छा हाँ, तो वो कह रहे हैं डॉक्टर इन दांतों को एक और उखड़वा के जब नए दांत लगेंगे, इससे सर मैं क्या करूं? सर इस पे मैं एक बार जितेंद्र जी एक बार जोड़ना चाहूंगा। रस्ते में कई छोटी छोटी दुकानें खुली होती हैं, पता नहीं एक्सपीरियंस होता है नहीं होता है, जानकारी मिली कि यहाँ पर बस एक बोर्ड लगा होता है सर्जन का, हम बिना सोचे समझे घुस गए। अब क्या इलाज कर दिया बाद में समझ में आता है, गड़बड़ हो गई, दिक्कत बढ़ गई, पता नहीं जी। सर ऐसे में जैसा इन्होंने बताया कि इनका एक दांत निकाल दिया गया है, बस अभी भी आ रही है, बोल रहे हैं दूसरा दांत को निकाल दें, तो ऐसे में पहले से हमें एक्सरे करा के पहले से ये ट्रीटमेंट प्लान बना लेना चाहिए कि हमें ऐसे करके ऐसे ही कराना है। अब इन्होंने एक निकलवा लिया, अगले दांत के लिए निकालने के लिए बोल रहा है, मेरी सलाह ये रहेगी कि किसी अच्छे डेंटिस्ट को दिखा के एक्सरे करा के एक सेकेंड ओपिनियन लें, क्योंकि आजकल बहुत सारे इलाज इस तरह से हैं कि हम बिना दांत निकाले भी कर सकते हैं। अगर दांतों में नस का इलाज कामयाब ना हो तो हम जड़ को काट देते हैं, एपिसेक्टमी कर देते हैं, उससे फिर ठीक हो जाता है दांत। तो सर्जरियां हैं जिसके कारण हम ठीक कर सकते हैं जी। तो बेहतर होगा एक सेकेंड ओपिनियन लें फिर आगे का काम कराएं जी। सुभाष जुड़ गए हमारे साथ, अगले कॉलर। जी सुभाष जी, सवाल पूछिए अपना। सर नमस्कार। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। सर मेरा नाम सुभाष है, आगरा से बोल रहा हूँ। मेरे दांतों में सर थोड़ा सा मतलब ठंडा पानी लगता है जी। सर आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र सर 32 साल है। ठीक है सर, 32 साल में अगर ठंडा गर्म लग रहा है तो हो सकता है दांत घिस गए हों, तो ऐसे में डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट यूज कर सकते हैं। अगर कोई कैविटी है तो उससे भी ठंडा गर्म लगता है, तो उसके लिए तो बेहतर होगा इस डेंटिस्ट को दिखा के अगर फिलिंग कराने की जरूरत हो तो फिलिंग करा लें, तो शायद उसी से ही आपका काम हो जाए, आगे ये बीमारी बढ़ेगी नहीं। चलिए अनिल जुड़ गए हमारे साथ, अगले कॉलर। जी अनिल जी, सवाल पूछिए। अनिल जी सुन पा रहे हैं मुझे आप? करनाल से। जी जी, सवाल पूछिए। सर मेरे दांतों में जैसे पीलापन है। ठीक है जी सर। ये जा नहीं रहा जैसे। सर आपकी उम्र कितनी होगी? ये 18 साल। ठीक है सर, 18 साल की उम्र में अगर दांत पीले पड़ गए हैं तो यह तो पहले सफाई करा लें, सफाई करा के पॉलिश करवा लें, अगर उससे पीलापन चला जाता है तो आपका काम यही ठीक हो जाता है। उससे भी नहीं जाता है तो फिर हमें ब्लीचिंग करनी पड़ेगी। ब्लीचिंग के रिजल्ट्स परमानेंट नहीं होते हैं, कुछ टाइम तक रहते हैं, 1 से 1.5 साल तक रहते हैं, फिर वापस पीलापन पे आ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि ये पीलापन आए ही ना तो हमें फिर विनियरिंग करानी पड़ेगी। विनियरिंग एक तरह की परत होती है जो दांतों के ऊपर चिपका दी जाती है, इससे पीलापन फिर दोबारा नहीं आता। जी अनिल जुड़ गए हैं हरिद्वार से। जी अनिल जी, सवाल पूछिए अपना। हेलो। हाँ सर, एक्चुअली सर मेरे जो है मैंने एक रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाया था। तो सर उसमें क्या है ना कि सर अभी भी पानी हल्का हल्का लग रहा है, तो उन्होंने कहा कि आपको जो है पूरा जो है फिक्स कराना पड़ेगा। अभी एक साल भी नहीं हुए, इसमें 3 महीने हुए। सर ऐसा है, अगर रूट कैनाल ट्रीटमेंट सही तरीके से हो गया है तो उसमें ठंडा गर्म लग ही नहीं सकता है, क्योंकि रूट कैनाल का मतलब है नस को निकाल देना। जब किसी की हम नस निकाल देते हैं तो उसमें ठंडा गर्म नहीं रह सकता, उसमें दर्द हो सकता है, उसमें पस बन सकता है, उसमें सब कुछ हो सकता है, बस ठंडा गर्म नहीं लग सकता है जी। अगर ठंडा गर्म लग रहा है तो कहीं ना किसी और दांत में लग रहा होगा, कि आप दोबारा उन्हें दिखाएं, क्योंकि ठंडा गर्म नहीं लगना चाहिए, उसमें दर्द हो सकता है, मैं मान सकता हूं। और एक सेकंड ओपिनियन लेने भी कई बार जरूरी आता है। आशीष जुड़ गए हमारे साथ, अगले कॉलर। जी आशीष जी, सवाल पूछिए। हेलो। जी सवाल पूछिए। हेलो सर, माफी चाहेंगे, आपकी आवाज हम तक सही से पहुंच नहीं पा रही है, लगातार दर्शक हमें कॉल कर रहे हैं और डॉक्टर साहब आपको जो जो बातें बता रहे हैं समझा रहे हैं उनको समझिए बारीकी से, और बड़ी समस्या ना हो जाए जिससे निपटना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। और कई बार ऐसा भी मौका आता है कि जब चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं तो सेकेंड ओपिनियन लेना भी बहुत जरूरी हो जाता है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक डॉक्टर ने इतनी ज्यादा बीमारियां बता दी हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आपसे पैसे इतनी कुछ कर रहे हैं या फिर झोला छाप डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं। ये बहुत अहम बातें हैं जिनके बारे में समझना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब से बहुत अहम बात,
कितने महीनों में एटलीस्ट हमें डेंटिस्ट के बाद एक चक्कर लगाना चाहिए, घूमते घूमते पहुंच गए? हर 6 महीने में एक बार दिखा लेना चाहिए, चेकअप जरूर कराना चाहिए, क्योंकि दांत की बीमारियां बहुत साइलेंट होती हैं। जी जी, अगर आज कीड़ा लगाया तो 3 साल बाद दर्द होगा। जी, तो इतना टाइम होता है, तो अगर हम 6 महीने में अगर दिखा लें अपने दांतों को, तो जहां पे थोड़ा बहुत कीड़ा लगा वहां फिलिंग हो सकती है, जहां गंदगी जमी वहां सफाई कर सकते हैं, इससे हम लंबे ट्रीटमेंट और लंबे खर्चे से बच सकते हैं। बहुत और मसले बताए, सचिन जुड़ गए हमारे साथ अगले कॉलर। जी सचिन जी, सवाल पूछिए। सवाल पूछिए सचिन जी। मेरा सवाल ये है कि मेरे दांत से आगे का टूट गया है, पहले गिर गया था, मैं उसको कहां सही कराऊं, क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब ने? सर आपका दांत टूट गया, दांत कितना टूटा ये लेवल देखना जरूरी है। दांत की ऊपर की लेयर सफेद रंग टूटी है, पीली रंग टूटी है या नस तक गया हुआ है? अगर बहुत पीले हो गए हैं सर। सर एक टेस्ट होता है जिसे हम हॉट एंड कोल्ड टेस्ट कहते हैं, उससे ये पता लग जाता है नस अंदर की जिंदा है कि नहीं है। अगर नस जिंदा है तो उसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट करें, और ना भी जिंदा है तो भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके इसके ऊपर कैपिंग करा लें, ताकि आगे कोई परेशानी ना आए। चलिए राहुल जुड़ गए दिल्ली से। जी राहुल जी, सवाल पूछिए। जी जैसे कभी कभार हमारे दांतों से खून निकल जाता है, तो उसके लिए क्या हम गम पेंट यूज कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल सर, गम पेंट लगा सकते हैं, गम पेंट सबको लगाना चाहिए। जिस तरह हम पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, गम पेंट भी एटलीस्ट दिन में एक बार जरूर करना चाहिए, क्योंकि गम्स का केयर कोई नहीं करता है, सब दांतों की केयर करते हैं, गम्स के लिए सब भूल जाते हैं। बट डे टू डे एक्टिविटी में देखा गया गम सबसे ज्यादा दिक्कत गम्स में ही आती है, जो हम रिकवर कर लेते हैं अपने आप। अगर गम पेंट लगाएंगे तो गम्स मजबूत रहेंगे, तो दांतों की लाइफ अपने आप बढ़ेगी। जी डॉक्टर साहब, बहुत एक और बेसिक सवाल पूछना है। मैंने कई बार देखा है कोई दातुन जो है कर रहा है अलग तरीके से करता है, सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है और क्या क्या गलतियां हम करते हैं जो हमारे दांतों को नुकसान पहुंचता है? सर ब्रश करने का सबसे सिंपल तरीका है सर्कुलर मोशन में ब्रश करना। कभी इसे इस तरह से नहीं करना चाहिए, दांत घिसते हैं, इससे दांत घिसते हैं और कुछ नहीं होता। दांतों को इतना इसकी बनावट ऐसी भगवान ने बनाई है कि अपने आप खाना स्लिप होता है, सिर्फ 2 जगह फंसता है, दांतों के बीच में और मसूड़ों के आसपास। वहां हम ब्रश अगर सर्कुलर मोशन में करें तो ये सारी चीजें निकल सकती हैं। हाँ, लोग बोलते हैं हम 10 मिनट ब्रश करते हैं, हम 20 मिनट करते हैं, टाइम इज नॉट अ कंस्ट्रेंट, बट टाइम से मतलब नहीं होता है, तरीका ब्रश करने का तरीका सही होना चाहिए। जी हाँ, तरीका जो है बिल्कुल सही होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को कोई तमाम बातें समझ में आएंगी जो डॉक्टर साहब ने आपको बताई हैं। डॉक्टर साहब आप स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को इतनी अहम जानकारी दी दांतों से जुड़ी हुई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन समाचार पत्र पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीडी ग्रीन सिटी, निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर, आज ही संपर्क करें। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं, मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। देखिए अधूरी दास्तान रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं, तुलसी सादा पान मसाला। 25 मिनट में 50 खबरें, कम वक्त में ज्यादा खबरें, देखिए बिना ब्रेक की खबरें। 25 मिनट में 50 खबरें सुबह 9 बजे, दोपहर 12 बजे, शाम 5 बजे और रात 9 बजे, सिर्फ समाचार प्लस पर। किसी को स्माइल देना, किसी को खुश कर जाना, अगर ये सब क्रेजी है, हाँ मैं क्रेजी हूँ, हाँ मैं क्रेजी। बेवजह खुशियाँ लुटाओ, कोको कोला पिलाओ। चाहे रियल स्टेट में करना हो निवेश या प्रॉपर्टी से जुड़ा फर्जीवाड़े का हो कोई केस, आप पूछ रहे हैं सपनों का आशियाना या प्लॉट खरीद कर घर बनाना, सीधे हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट से कीजिए सवाल। अपनी समस्या हमें ईमेल करें propertyexpert@samachar.com पर, या हमें फोन करें और पाएं अपने सवालों के जवाब प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में, रविवार शाम 4 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। Thank you.
चेन्नई में आज होगी बीसीसीआई की अहम बैठक, श्रीनिवासन की हो सकती है छुट्टी, लगातार बनाया जा रहा इस्तीफा देने का दबाव। आईपीएल में फिक्सिंग विवाद के बाद इस्तीफों का दौर जारी, शनिवार देर रात आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ला ने दिया इस्तीफा। इलाहाबाद के हंडिया विधानसभा सीट के लिए वोटिंग जारी, सुबह 11 बजे तक 21% तक हुआ मतदान। मथुरा में व्यापारी पर हमला करके लाखों की लूट, हाथरस में जमीन के विवाद में युवक की लाठी डंडों से पीटकर हत्या, क्या यूपी में पूरी तरह से बेखौफ हो चुके हैं बदमाश। गाजीपुर में पानी की किल्लत से जूझ रहे किसान, जिले के लगभग सभी नलकूपों की हालत खराब, किसानों को सता रही है फसल के बर्बाद होने की चिंता। महोबा में युवती के साथ हुआ गैंगरेप, 3 लोगों ने युवती को बंधक बनाकर किया रेप, पुलिस की गिरफ्त से एक आरोपी हुआ फरार। गोरखपुर में चाचा ने भतीजी से किया रेप, जान से मारने की धमकी देकर पिछले एक साल से करता रहा दरिंदगी, मामला दर्ज होने के बाद आरोपी फरार। शामली में थाना भवन हुआ मोहब्बत पर मेहरबान, प्रेमी युगल की थाने में कराई गई शादी, थाना अध्यक्ष बने मेजबान, प्रेम संबंधों के चलते घर से भागे थे प्रेमी युगल। कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा के दावों की खुली पोल, 6 दिनों में 3 बाघों की मौत, प्रशासन के फूले हाथ पैर। और यूपी उत्तराखंड की कई जगहों पर मौसम हुआ सुहावना, देहरादून और इलाहाबाद समेत कई शहरों में हो रही है बारिश। हेलो नमस्कार, सत का हाल, सितारों की मस्ती के साथ एंटरटेनमेंट का एक्साइटिंग सफर लेकर हाजिर हूं मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त अमन। आज होगी झलक की झलकियां, झलक की मस्तियां और रणवीर की बदतमीजियां, माधुरी की अदाएं, रणवीर का रंगीला अंदाज तो वहीं जैकलीन का मदमस्त अंदाज, तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का एंटरटेनमेंट प्लस। झलक दिखलाजा इज कम बैक, एक नए फ्लेवर, एक नए जश्न के साथ, एक नए अंदाज में झलक की झलकियां देखने को मिली। झलक दिखलाजा 6 में हुआ डांस का धमाका, डांस की मस्ती, माधुरी की अदाओं ने उड़ाया होश, तो रणवीर भी झलक के मंच पर बन गए बनी। जरा देखिए तो झलक की रंगीन शाम में क्या क्या हुआ धमाल। साहेबान कदरदान मेहरबान तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मोहिनी। लड़के और लड़के कहाँ से आया है रे तू, प्यारा है शक्ल से अकल का मारा है रे तू। हाँ जल गई, हाँ जल गई मेरी बातों से तू जल गई, हाँ खल गई तुझे खल गई मेरी बेपरवाही खल गई। मोहतरमा तू किस खेत की मूली है जरा पता, न्यूज़ पे ब्रेकिंग न्यूज़ फायर मेरा जागरा है, बगदाद से लेके दिल्ली गागरा, न्यूज़ पे ब्रेकिंग न्यूज़ फायर मेरा जागरा है, बगदाद से लेके दिल्ली गागरा। मैं हवा तोड़ जा, घटा तोड़ जा, चली कहाँ की हटा की, बड़ा बेशरम है तू तो लिखा है बड़ा, ये कमर छुपा ले नजर घुमा ले पता ना पूछूं।